सुपौल जिले के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने प्रतापगंज प्रखंड मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रखंड अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रखंड में मनरेगा योजना की स्थिति ठीक नहीं है, जिसे लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि स्थिति को बेहतर किया जाए, वरना ऐसे अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि नल जल को लेकर भी जल्द से जल्द सुदृढ़ करने का आदेश दिया है। सभी योजनाओं का समीक्षा बैठक किया गया, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ बिहार अभियान, नल जल योजना, मनरेगा, समाज सुरक्षा योजना, सभी की समीक्षा की गई। मनरेगा योजना की स्थिति यहाँ पे खराब है, यहाँ के ग्राम लगता है कि इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, इस कारण से यहाँ पे मानव दिवस सृजन नहीं हो रहा है और काम वगैरह नहीं हो रहा है। ये प्रोग्राम अफसर और सभी PRS को सख्ती हिदायत दी गई है कि अपने कार्यशैली में सुधार लाएं, नहीं तो फिर अगली समीक्षा बैठक के बाद आपकी कार्रवाई की जाएगी, स्पेशल भी हो सकता है। सबके अलावा नल जल योजना की स्थिति यहाँ ठीक है और माननीय मुखिया जी लोग अपना उसमें मॉनिटरिंग कर रहे और यहाँ पे पर्टिकुलर शिकायत ये है कि लोग पानी पीते हैं शुद्ध पानी आने के बाद भी। मेरा लोगों से अनुरोध है कि नल जल से निकले हुए शुद्ध पानी को पिए, चापाकल से निकलता हुआ आयरन रहता है उसको अवॉइड करें। बाकी प्रखंड की बाकी योजनाएँ यहाँ पे ठीक स्थिति में है, मनरेगा से हमें तो शिकायत।